हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली जो जीएस की वीडियो थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लगा ताकि आपको एक्यूरेट, जो हमारी तरफ से एक्यूरेट है, वो आपको आंसर प्रोवाइड किया जाए। अदरवाइज जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो आपको जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जो साइंस वाला पोर्शन इसमें पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो हम लोग ऑफिशियल जो की है उसमें देख लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें साइंस में जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही होंगे, और जो भी डाउट है, जो कुछ भी है, वो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51, इसमें है विषाणु के किस गुण से उसके आजीवित होने का आभास होता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू, ठीक है, क्योंकि विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। बाकी जितने भी हैं कि प्रजनन करता है ये भी जीवित होने का लक्षण है, रोग उत्पन्न करता है ये भी है, और जेनेटिक पदार्थ पाया जाता है ये भी है। तो इसमें जो सेकेंड वाला है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 52, इसमें है खेत में नॉस्टॉक की उपस्थिति सहायक होती है। नॉस्टॉक एनाबिना, इसकी जो उपस्थिति होती है ये नाइट्रोजन चक्र में सहायक होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं, तो ये नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 53, इसमें है निम्न में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। तो इसमें देखिए टीएमवी वायरस जो होता है वो तो सजीव और मतलब निर्जीव के बीच की कड़ी कही जाती है, तो ये तो ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है, ठीक है, टीएमवी वायरस है। नेक्स्ट है 54, इसमें है किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती हैं। तो जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम्स का जब डिवीज़न होता है तो मेटासेंट्रिक वाली जो पोजीशन होती है, ठीक है, मध्य केंद्रीय, इसी में ही दोनों ही क्रोमोसोम्स के दोनों पोर्शन जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। 55 में कहा गया आत्मघाती सेली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो ये है लाइसोसोम। नेक्स्ट है 56, इसमें है निम्न यौगिकों में से शून्य ध्रुवण आघूर्ण वाला यौगिक है, ठीक है, जीरो डाइपोल मोमेंट किसमें पाया जाता है, BF3 में पाया जाता है। नेक्स्ट है 57, इसमें है परमाणु क्रमांक और अवस सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों का बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम बताना है, ठीक है। धात्विक लक्षण का जो सही क्रम है वो है 3, इसका करेक्ट आंसर है 3। पहले जो है फॉस्फोरस आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है 58 में है फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य अवयव क्या है। देखिए इसमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें फोटोकेमिकल स्मॉग जो है इसका मुख्य अवयव दोनों ही होंगे, मतलब कहने का है कि पैन भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है ये भी आती है, तो दोनों का मिश्रण ही यहाँ पे होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो 2 वाला हो जाएगा, ठीक है, 58 का 2 वाला हो जाएगा। जो डाउट हैं वो जो है इसमें क्लियर कर लिए जाएंगे ऑफिशियल की में, ठीक है। 59 में देखिए ग्लोबिनीमिया, ठीक है, ये एक बीमारी है जो कि जो है बच्चों में भी अक्सर करके हो जाती है। इसका मेनली ये जो कारण है वो क्या है, तो इसमें पीने के पानी में नाइट्रेट्स की अत्यधिक मात्रा इसमें हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो जगह दिया गया, एक नाइट्राइट्स दिया गया, एक नाइट्रेट्स दिया गया, तो मेनली इसमें जो अशुद्ध जल होगा उसमें जब नाइट्रेट की अधिकता होगी तब ये बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 60, इसमें है निम्न में से किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो पहला वाला है जिसमें कैल्शियम पॉजिटिव आया है, जिसमें से कैल्शियम पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये वाली जो पूरी रिएक्शन है इसमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 61 में है ताम्र यानी कॉपर की डिस्क में एक छेद है, और अगर डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार बढ़ता है, ठीक है। इसमें खाली इतना पूछा गया कि छिद्र के आकार में क्या होगा, तो मेटल है तो मेटल में उसका आकार बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 62 का है एक नैनोमीटर तुल्य है। अगर नैनोमीटर मीटर के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए कि कितने मीटर के तुल्य है, तो 10^-9 मीटर होता है, ठीक है, ये मीटर होता है, लेकिन यहाँ आंसर में दिया गया है सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में अगर कहें तो 10^-7 सेंटीमीटर करेक्ट है। 63 वाले में है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है। तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा बोला गया है, तो क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा का अगर जो यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, तो जनरली अगर देखें भाप की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, ट्रांसफर करने का काम जनरेटर का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो हम मेनली यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा लाइट एनर्जी ले लेंगे, ठीक है, लाइट की, तो यहाँ पे फोटोसेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा।
नेक्स्ट है 64। 64 में है, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है? तो असंरक्षी बल में अगर देखें तो करेक्ट आंसर है श्यान बल, ठीक है, जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं। असंरक्षी बल वही होता है कि जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, और मतलब उसका मान जो होता है वो उसकी पथ जो उसकी रास्ता जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये मेनली श्यान बल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 65 में है, शेर की दहाड़ में होता है, शेर की जो दहाड़ होती है उसमें अधिक तीव्रता होती है, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और उसकी पिच जो होती है वो लो होती है, कम तारत्व का होता है। नेक्स्ट है 66, इसमें है देखिए 66 वाले में देखिए, जंतुओं के वर्गीकरण के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन से जंतुओं का समूह सही है? तो करेक्ट वाला ही हम बता रहे हैं, तो इसमें पहला वाला सही है, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकन, ये तीनों के तीनों पोरीफेरा, जो फाइलम पोरीफेरा है उसी से ही रिलेटेड है, ठीक है, फंजा वो स्पॉन्ज वाला, स्पॉन्ज जो होता है वो फाइलम पोरीफेरा का है, तो ये तीनों ही फाइलम पोरीफेरा के हैं, बाकी सब में कोई ना कोई एक जो है वो चेंज है, ठीक है। 67 में देखिए अमीबा है, अमीबा जो है मेरे हिसाब से अमीबा एक कोशिकीय जंतु कहा जाएगा, क्योंकि अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ में आता है, ठीक, यहाँ पे प्रोटिस्ट दिया गया है और बाकी सब पादप और जीवाणु दिए गए, ठीक है, तो एक कोशिकीय जंतु, जो डाउटफुल है वो उसमें आंसर की में तो सही हो ही जाएगा। 68 में देखिए नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम जो है वो किस में पाया जाता है? तो ये जो कैनाल सिस्टम है ये जो जो है प्रॉपर्टी है ये पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें होती है, मेनली इसमें जो वाटर का जो सर्कुलेट मतलब वाटर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो जो है स्पॉन्ज में पाया जाता है और उसी को ही हम कैनाल सिस्टम कहते हैं, ठीक, तो स्पॉन्ज पोरीफेरा में आते हैं, पोरीफेरा हो जाएगा। 69 में देखिए लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियां तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े इस वर्ग का लक्षण है, तो ये पक्षी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। लाभदायक कीट, लाभदायक कीट में एपिस जो होता है ये लाभदायक कीट में आ जाएगा, एपिस इंडिका मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, लाभदायक कीट हो जाएगा। 71 में है, एक कार एक निश्चित दूरी की प्रथम अर्ध दूरी V1 चाल से तथा द्वितीय अर्ध दूरी V2 चाल से तय कर रही है, संपूर्ण यात्रा के लिए V1 तथा V2 की औसत चाल क्या होगी, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह समांतर माध्य, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाला है, ठीक है। 72 में है, वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट पैमाने का मान जो है वो समान होता है? तो -40 डिग्री जो होता है, 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो सेल्सियस 40 डिग्री, ठीक है, तो इसमें सेल्सियस और फॉरेनहाइट पैमाने का जो मान होता है वो समान होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 73, इसमें है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो यहाँ पे जो गैस है फ्रियॉन, ठीक है, फ्रियॉन CFC का ही जो है इसकी उसी के ही फील्ड में आता है, मतलब उसका ही कंपाउंड है फ्रियॉन। फ्रियॉन का मेनली यूज़ रेफ्रिजरेशन में होता है और जो एयर कंडीशनर होता है उसमें होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा विद्युत धारा की जो शक्ति है उसका मात्रक होता है। 75 में देखिए, एक दिष्ट धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है जहाँ ई तथा बी क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है और बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो इसमें मेनली करेक्ट आंसर है केवल ई, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र। 76 में है, एलिसा का कार्य सिद्धांत है, एलिसा किट जो होती है इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? ये एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया जो होती है वो इसमें आती है, इसमें मेनली जो है जो एंटीजन जो होते हैं एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को बाउंड किया जाता है, तो ठीक है इसमें बाउंडिंग प्रोसेस पूरी होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया एलिसा किट में आ जाएगी, ठीक है। इसका परीक्षण किसके लिए होता है? एलिसा किट से जो है एड्स का मेनली इसकी जाँच होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 77, बीटी टॉक्सिन जीन का कोड है, बीटी टॉक्सिन जीन का जो कोड है उसका करेक्ट आंसर है 4CRY, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 78 में, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रही है, ठीक है। हालांकि इसमें ग्लाइकोलिसिस भी होना चाहिए, कुछ लोग ग्लाइकोलिसिस भी लगाएंगे क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में भी ऑक्सीजन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता इसकी जो प्रोसेस होती है, लेकिन मेनली यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, बाकी जो डाउटफुल है वो तो सही हो जाएगा। 79 में देखिए, कवक मूल किसके उदाहरण है? माइकोराइजा, ठीक है, ये जो है ये म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता, माइकोराइजा जो कवक मूल होते हैं वो उनमें जो एल्गी और फंजाई का, ठीक है, मतलब उनकी सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट है 80,
क्वेश्चन नंबर 80 में है, डी नाइट्रीकरण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे डी नाइट्रीफिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो इनके लिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट सीडोमोनास एवं थायोबैसिलस। ठीक है, 81 में देखिए, निम्न दर्पणों में से कौन सा वाहनों के अग्रदीप जो हेडलाइट होती है उसमें प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण है। 82 में है, एक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती पाई जाती है, पदार्थ कौन सा होगा? तो ये है नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम का जितना भी ताप बढ़ाया जाएगा इसकी प्रतिरोधकता जो है वो और कम होती जाएगी। 83 में है, इसमें ग्राफ दिया गया है, निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की स्वतंत्र गति से गिरते हुए त्वरण, त्वरण जिसे ए बता रहे हैं, और समय टी को दर्शाता है। तो यहाँ पे ग्राफ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, जिसमें त्वरण और टी जो समय है इसका गिरता हुआ ग्राफ यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, 84 में देखिए, 84 में है, एक केबी कितने किलोवाइट के बराबर होता है? तो एक केबी जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, बाइट के, तो 84 का करेक्ट आंसर 1024 हो जाएगा। उसके बाद 85 में है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो आवृत्ति जो सब आवृत्ति का जो सीक्वेंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो गामा की होती है, उसके बाद एक्स रेज आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्स रेज इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 86 में देखिए, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो बेलाडोना औषधि जो होती है वो जड़ से प्राप्त होती है। फिर है 87, इसमें है जूट प्राप्त होता है, जूट का यहाँ पे जो है वो साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसी से ही जूट प्राप्त होता है प्लांट से। 88 दिया गया है, रुई यानी कपास प्राप्त होती है, तो रुई जो है वो गॉसिपियम से प्राप्त होती है, गॉसिपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम है, उससे प्राप्त होती है। 89 में है, कंपोजिटी कुल के पुष्प जो हैं उनका यहाँ पे ओवरी पूछी गई है कैसी होती है, तो एपिगाइनस होती है ओवरी। ठीक है, यानी जयांगो परिक एपिगाइनस। 90 देखिए, कोकीन प्राप्त होता है, कोकीन जो होता है वो पॉपी पौधा जो होता है, ओपियम पॉपी, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे चार कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, फोर चैम्बर वाला जो हृदय होता है वो किसमें होता है? पक्षी व स्तनधारी में होता है। 92 में है, स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? तो ये स्तनधारी वर्ग है सिटेसिया। ठीक है, फिर है 93 में है, नाखून पंजा खुर और सींग किससे बनते हैं? तो ये एपिडर्मिस के पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर है 94 में कहा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो मनुष्य में रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के है। 95 में देखिए, खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं, तो इनमें किस तरीके का अनुकूलन पाया जाएगा? इस तरह ये जो होते हैं ये खनिनी अनुकूलन इनमें होता है, फॉसोरियल एडेप्टेशन इनमें पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए 96, इसमें है, निम्न में से कौन सी लोहे यानी आयरन के अयस्क नहीं है, का पूछा गया है कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? तो इसमें पिलेलाइट जो है ये आयरन का अयस्क ये नहीं है। 97 में देखिए, इसमें कहा गया है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है? तो इसमें गन मेटल जो है इसका संगठन बताया गया तांबा टिन एवं जस्ता, यही यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, क्योंकि तांबा टिन एवं जस्ता ये तीनों का जो मिश्रण है वो जर्मन सिल्वर का है। ठीक है, जर्मन सिल्वर का, तो यही जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 98 में कहा गया है, निम्न में से कौन सा यौगिक निर्जलीकरण अभिक्रिया में सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन मूलक देता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक, आगे देखिए 99 में है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली जो होती है इसमें टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर 100 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें है, एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया के लिए निम्न में से अभिक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम जो है वो है ऑप्शन 3, इसका करेक्ट होगा RiRbR। R यहाँ पे एल्किल ग्रुप है। ठीक है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, 101 में है, NOP नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस और सल्फर के विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्न में से बढ़ता हुआ यहाँ पे क्रम
पूछा गया है। तो इसमें बढ़ता हुआ क्रम जो है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जो आपको यहाँ पे जो आपको करेक्ट लग रहा है या जो डाउटफुल लग रहा है कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो जो है ऑफिशियल की जो होगी उसी से ही क्लियर होंगे। चलिए 102 में देखते हैं। 102 में असत्य कथन इंगित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, गैसोलीन में टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, TEL डाला जाता है ताकि वाहनों से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण ना उत्पन्न कर सकें। तो ये यहाँ पे करेक्ट, ये असत्य कथन है, ठीक है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो 3 वाला है, क्योंकि इसमें गैसोलीन नहीं है, पेट्रोल है। पेट्रोल जो होता है उसमें टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 103, इसमें है जिनॉन F6 में जिनॉन का संकरण है। तो जिनॉन का जो संकरण होता है वो है DSP2, ठीक है। नेक्स्ट है 104, इसमें है निम्नलिखित तत्वों के लिए बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे तत्व दिए गए हैं लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कार्बन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 4। 105 में देखिए, इसमें है निम्न अभिक्रिया में उत्पाद एक्स है, ठीक है, ये रिएक्शन दिखाई गई है। इसमें जो उत्पाद एक्स की जगह जो होगा वो होगा बेंजीन में कार्बोनियम पर CWH ऊपर है और CH2Br नीचे है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। 106 में देखिए, रेशम के कीड़े का पालन पोषण कहलाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, सेरिकल्चर हो जाएगा इसका, ठीक। 107 है, इसमें है शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित है। शरीर का जो श्वसन केंद्र होता है वो मस्तिष्क के मेडुला में होता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में। फिर देखिए 108 में है हेनले का लूप संबंधित है, ये उत्सर्जन हेनले लूप जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाता है। 109 में है कि मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा जो है वो ब्लड बैंक कहलाता है, ठीक है। RBC का ग्रेवयार्ड भी इसे कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि इसमें देखिए पॉलिप और मेड्यूसा शरीर के वैकल्पिक रूप संघ के जंतुओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पॉलिप और मेड्यूसा ये जो पार्ट है ये वैकल्पिक रूप जो है वो निडेरिया में पाया जाता है, ठीक है। और निडेरिया किसका है, सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा का है, ठीक है। तो ये हो गया पूरी जो साइंस का जो पोर्शन था वो पूरा यहाँ पे कवर हो गया। कोई भी मिस्टेक या कोई भी अगर डाउट आपको लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।